नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरो चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी कब ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है। पिछले 14 वर्षों के बाद यह खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों देख लीजिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का यह आदेश निकल के आया है जो अब हर पंचायत में खुलेंगे पुस्तकालय। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं, जब पुस्तकालय खुलेगा तो उस पुस्तकालय को चलाने के लिए एक लाइब्रेरियन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में देख लीजिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का क्या आदेश निकल के आई है, सो सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2023, बिहार लाइब्रेरियन बहाली बहुत जल्द होगी, हर एक पंचायत में होगी लाइब्रेरियन की बहाली। बिहार लाइब्रेरियन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वे सभी स्टूडेंट के लिए जो पिछले 14 वर्षों से बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसी वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का क्या आदेश निकल के आया है इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बिहार लाइब्रेरियन को लेकर देख लीजिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जो आदेश निकल के आया है, आप वीडियो में बने रहिए। पिछले एक सप्ताह से बिहार लाइब्रेरियन के बारे में हर न्यूज़ पेपर में, हर टीवी चैनल पे, हर एक न्यूज़ में आपको मिलेगा। देख लीजिए आज, या देख लीजिए आदेश, शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव का आदेश आया। देख लीजिए हर पंचायत में खुलेंगे पुस्तकालय। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में सहूलियत होगा। राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों को दिन बहरेंगे। देख लीजिए राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान एवं सरकार की संयुक्त निधि से तकरीबन 10 वर्षों बाद पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीदारी फिर शुरू होगी और राजकीय वर्गीकृत पुस्तकालयों के कर्मियों के लिए नियमावली बनेगी। प्रत्येक पंचायत भवन में पुस्तकालय की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य आबादी वाले गाँवों में ग्रामीण पुस्तकालयों के संचालन को लेकर राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा संचालित मैचिंग एवं नॉन मैचिंग योजनाओं के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त कर उसके अनुरूप कार्य कार्रवाई होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा पारित किए गए हैं। आगे देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेश पारित किए जाने की कार्य कार्रवाई हुई है। दरअसल बिहार आदिवासी अधिकार फोरम एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 23 दिसंबर 2022 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप वादी द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को अभ्यावेदन दिया। उसके बाद गत 6 मार्च को अपर मुख्य सचिव द्वारा मामले की सुनवाई की गई। आगे देख लीजिए, सुनवाई की गई। सुनवाई में वादी प्रमोद कुमार सिंह द्वारा पुस्तकालयों के लिए विकास पुस्तक करें। आगे देखिए शेष पे दिया हुआ है, चलिए क्या आदेश निकल के आया है मोटा मोटी ये समझ लीजिए। देख लीजिए अब आगे देख लीजिए दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए होगी पुस्तकों की खरीदारी और राजकीय वर्गीकृत पुस्तकालयों के कर्मियों के लिए बनेगी नियमावली। देख लीजिए आप लोग के लिए नियमावली बनेगा। ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना को तय होंगे आबादी के मानक। गठित होगी विशेषज्ञों की त्रिस्तरीय समिति। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का यह आदेश निकल के आया है। दोस्तों हर एक पंचायत में एक पुस्तकालय खुलेगा, तो हर एक पंचायत में इस पुस्तकालय को चलाने के लिए कम से कम एक पुस्तकालय चलाने के लिए लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। एक उसमें लाइब्रेरियन कैंडिडेट होना जरूरी है, लाइब्रेरियन शिक्षक होना जरूरी है। तो दोस्तों देख लीजिए, डायरेक्ट शिक्षा विभाग से यह आदेश निकल के आया है, बहुत जल्द देख लीजिए आपको बनेगी। यहाँ पर नियमावली दिया है, आपका एक अलग आपको नियमावली बनेगा, उसके आधार पर देख लीजिए पुस्तकालय खुलेगा हर पंचायत में, उसके बाद बहाल किया जाएगा। और आपको पहले कल भी एक वीडियो बनाए थे कल शाम में, जिसमें हम आपको बता दिए थे न्यू नियमावली जो जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को 7300 के आसपास वैकेंसी, 7332 वैकेंसी निकल के आ रही है और उसी नियमावली पर आप लोग को बहाल किया जाएगा।
आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो में क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। जैसे ही शिक्षा विभाग से बिहार 11 के बारे में कुछ अपडेट निकल के आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।